दोस्तों, अब से कुछ समय पहले अगर किसी में कुछ टैलेंट होता था तो उसे अपने इस टैलेंट को लोगों के सामने लाने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी, क्योंकि पहले इंडिया में सोशल मीडिया का यूज बहुत कम था, जिसके चलते कई बार तो लोगों का टैलेंट केवल उन्हीं तक सीमित रह जाता था। लेकिन अब पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया का यूज काफी बढ़ जाने से लोगों का टैलेंट भी हमारे सामने इजीली निकल के आया है। और सोशल मीडिया अपने अंदर इतनी पावर तो रखता ही है कि वे किसी को भी रातों रात एक स्टार बना दे। और दोस्तों, ये सब बस मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि इसके आज बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमारे पास हैं। कुछ उन्हीं सोशल मीडिया के थ्रू अपनी पहचान बनाने वाले लोगों में से दो नाम है दानिश ज़ेहन का और हसनैन खान का। दोस्तों, आज ये दोनों ही एक टिकटॉक स्टार हैं, और आज केवल टिकटॉक के थ्रू ही इन्होंने अपना यूथ में इतना नाम कमा लिया है कि लगभग आज हर कोई ही इनका फैन है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दानिश ज़ेहन और हसनैन खान के बारे में शुरू से बताऊंगा, और इन दोनों में से नंबर वन टिकटॉक स्टार कौन है और कौन यूथ के बीच ज्यादा फेमस है, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो जुड़े रहे आप हमारी इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं दानिश ज़ेहन की। इनका जन्म 16 मार्च 1996 को कुर्ला महाराष्ट्र में हुआ। इन्हें बचपन से ही म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट था, और म्यूजिक में भी ये रैप को ज्यादा पसंद किया करते थे। और अब टाइम के साथ साथ इन्हें रैप करना इतना पसंद आने लगा कि ये अपना करियर इसी में बनाने के बारे में सोचने लगे, जिसके लिए इन्होंने काफी मेहनत भी करी, लेकिन ये इस इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए। अब आगे चल के इन्होंने किसी से इंस्पायर होके अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, जिस पर ये रेगुलर अपनी हेयर स्टाइल की वीडियोस अपलोड किया करते थे। लेकिन ऑडियंस इनकी इन वीडियोस को ज्यादा पसंद नहीं किया करती थी, इसलिए इन्होंने अपने इस चैनल के कंटेंट को थोड़ा चेंज करने का सोचा और अपने YouTube चैनल पर अपनी लाइफस्टाइल की वीडियोस अपलोड करनी स्टार्ट कर दी। इसके साथ साथ इन्होंने TikTok पर भी अपना अकाउंट बना लिया, क्योंकि उस समय TikTok काफी ट्रेंड में चल रहा था। अब इन्हें YouTube और TikTok दोनों पर ही धीरे धीरे सक्सेस मिलने लगी, क्योंकि इनका कंटेंट ऑडियंस को काफी पसंद आता था। लेकिन अब 20 दिसंबर 2018 को जब वे एक पार्टी अटेंड करके अपने घर लौट रहे थे, तब एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, और ये ज्यादा दिन अपनी इस सक्सेस को नहीं देख पाए। दोस्तों, अब बात करते हैं हसनैन खान की। इनका जन्म 9 जनवरी 1996 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इन्हें टिकटॉक के बारे में इनके दोस्तों से पता चला, जिसमें ये शुरुआती समय में अपने दोस्तों के साथ ही वीडियोस बनाया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद इनके सारे दोस्त अलग अलग अपनी वीडियोस बनाने लगे, तो हसनैन खान ने भी अपना अलग टिकटॉक अकाउंट बना लिया, और उस पर रेगुलर बेहतरीन वीडियोस अपलोड करने से इन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगा इस पर सक्सेस हासिल करने में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दानिश ज़ेहन और हसनैन खान, इन दोनों में से नंबर वन टिकटॉक स्टार कौन है। तो वो मेरे हिसाब से है दानिश ज़ेहन। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उन्हें ऑडियंस के बीच काफी पसंद किया जाता है। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।